हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, कि कंप्यूटर का कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ। अभी क्या हुआ कि जब कंप्यूटर जहाँ से स्टार्ट हुए या जहाँ से इन्वेंट हुए, वहाँ से लेकर आज तक जो भी कंप्यूटर्स बने हैं उनको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट जनरेशन में। ठीक है, जनरेशन का मतलब क्या होता है? ए जनरेशन रिफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है ना? और या दूसरे ढंग से आप ये कह सकते हैं कि दिस टर्म इज ऑल्सो यूज इन द डिफरेंट एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। मतलब कंप्यूटर कैसे 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 डेवलप हुआ, उसको हम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन ऐसे करके हम क्लासिफाई कर देते हैं, तो उसको हमें समझने में आसानी रहती है। तो जैसे सबसे पहला जो था आपका, आप इसको कह सकते हैं कि द फर्स्ट जनरेशन, द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के हैं वो जो 1940 से और 1956 के बीच में जो कंप्यूटर डेवलप हुए, एडवांस हुए, इन्वेंट हुए, उनको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। और इनमें क्या खास बात थी? इसमें खास बात थी कि इनमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। ठीक है, इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में 1940 से 56 के बीच में जो कंप्यूटर डेवलप किए गए, ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। और इसमें जो Mark 1 में जो मैकेनिकल स्विचेस थे, जो देखिए मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ Mark 1 कंप्यूटर क्या है। तो Mark 1 कंप्यूटर में जो मैकेनिकल स्विचेस यूज किए गए थे, उनकी जगह पे इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो ये जो 1940 से 1956 के बीच में जो कंप्यूटर डेवलप किए गए, दे वर नोन एज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, इसमें क्या है कि ये इन इन कंप्यूटर की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? कि मेन तो ये था कि ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे, ट्यूब बेस्ड। ठीक, और इसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइस थी वो आपकी पंच टेप इनपुट और आउटपुट थे, यानी पंचिंग कार्ड एक होता है। ठीक है, उसमें जहां वन करना है पंच कर दीजिए, जहां जीरो तो वो आपसे, दैट इज, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो इनपुट आउटपुट था वो पंच्ड टेप इनपुट और आउटपुट था इसमें। और दूसरी चीज क्या है कि इनका साइज, ठीक है, जब वैक्यूम ट्यूब है तो ऑब्वियस सी बात है साइज बड़े होंगे। पहले कंप्यूटर तो खूब बड़े बड़े आते थे, समझ लीजिए कि एक नॉर्मल साइज का जो कमरा होता है उतने बड़े बड़े एक कंप्यूटर होते थे उस समय, उस जमाने में। तो इसमें करीब 1000 सर्किट्स पर क्यूबिक फिट होते थे, यानी इसमें 1000 सर्किट्स पर क्यूबिक फीट। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक थी किसकी? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। उसके बाद इनके बाद क्या हुआ? इनके बाद जो डेवलप हुए 1956 से 1963, यानी 1956 से लेकर 1963 तक के जो कंप्यूटर थे, दे वर नोन एज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें क्या खास बात थी? इसमें सबसे बड़ी खास बात यह थी कि ट्रांजिस्टर आ चुके हैं पिक्चर में। इसको आप लिख सकते हैं द एरा ऑफ, या ट्रांजिस्टर लिख दी, द एरा ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक, ये यानी इसमें क्या था, इन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है ये आपको क्लियर होगा, अगर नहीं भी क्लियर है तो आप मेरे जो दूसरा चैनल है हमारे ग्रुप का, श्री अनंता ट्यूटोरियल टेक्निकल, उस पे आप जाके, उस पे मैंने ट्रांजिस्टर के बारे में सारी वीडियो डाली हुई है। आप अपने मतलब की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, आप उनको रिफर कर सकते हैं, आपको क्लियर
क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। ठीक, तो मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ आपके आसानी के लिए, कि जो मेरे ग्रुप का दूसरा चैनल है श्री अनंता ट्यूटोरियल और टेक्निकल, ठीक है, उस पे आप जाएंगे तो आपको ट्रांजिस्टर के सीरीज ऑफ लेक्चर मिलेंगे। उसमें जो शुरुआती लेक्चर है, जो इंट्रोडक्टली, जैसे ट्रांजिस्टर इंट्रोडक्शन करके जो लेक्चर है, और एक दो जो है उसको आप सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपको ट्रांजिस्टर क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग लौट आते हैं इस पे कि इसमें क्या होता है, कि इसमें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ कि इसमें 1956 से 1963 के बीच में डेवलप किए गए और इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा। ट्रांजिस्टर का यूज होने से क्या फायदा हुआ कि इन कंप्यूटर का साइज जो है वो काफी कुछ बहुत छोटा हो गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक ट्रांजिस्टर जो है, एक ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का साइज क्या होता है आप जाएंगे उस वीडियो में देखेंगे, ट्रांजिस्टर बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, एक फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं, अगर ये इतना इतनी जगह ले रहा है वैक्यूम ट्यूब वाला कंप्यूटर, तो ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर इतने ही जगह में काम हो जाएगा उसका। आप ये समझ, ऐसे समझ लीजिए आप, ये भी मैंने बहुत ज्यादा दे दिया है, ये आप समझ लीजिए। तो एक ट्रांजिस्टर कैन रिप्लेस, जानते हैं कितने, करीब करीब 50 वैक्यूम ट्यूब्स को। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि जब ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के साइज ड्रास्टिकली, अचानक, बहुत तेजी से छोटा हो गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा, बाकी जो एफिशिएंसी बढ़ी, बाकी जो उसकी काम करने की क्षमता बढ़ी वो तो बढ़ी, लेकिन साइज में बहुत बड़ा फायदा हुआ कि साइज बहुत छोटा हो गया। ठीक, इससे फायदा क्या हुआ, अच्छा अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हैं, जैसे आपने इसका लिखा था, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक तो ये हो गई कि साहब इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, ट्रांजिस्टर, इट यूज्ड ट्रांजिस्टर। ठीक, साइज का देखिए आपको इससे अंदाजा मिल जाएगा कि यहां पे क्या था, यहां पे था 1000 सर्किट एक क्यूबिक फीट में, ठीक है, और यहां पे कितना बन सकता है आपका, यहां पे आपका 1,000,000 सर्किट, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 सर्किट्स पर क्यूबिक फीट, ऐसे आप समझ लीजिए। तो ये फायदा हुआ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, अब आप नेक्स्ट आ जाइए थर्ड जनरेशन में। अब थर्ड जनरेशन, अब देखिए धीरे धीरे ये जो आज के समय में हम लोग कंप्यूटर देख रहे हैं, अब ये धीरे धीरे उधर की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी तो खैर हम लोग 1963 तक ही पहुंचे हैं, अब आ जाइए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस किया गया किससे, इंटीग्रेटेड सर्किट से। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है ये जानना होगा तो आप कमेंट लाइन में लिखिएगा, तो मैं आईसी के ऊपर, इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर एक अलग ही वीडियो डाल दूंगा, सेपरेट वीडियो। ये आप लिख सकते हैं, ये आ गया आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, यानी इसको आप लिख सकते हैं एरा ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक, और ये जो एरा था थर्ड जनरेशन का, ये था आपका 1964 से 1971 के बीच में। ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं कि इस, अभी तक हम लोगों ने पिछले में क्या पढ़ा था कि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होने लगे। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, कई ट्रांजिस्टर, सैकड़ों, हजारों, लाखों ट्रांजिस्टर, मतलब हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन ए सिंगल सिलिकॉन चिप। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन टू ए सिंगल वेफर ऑफ सिलिकॉन। इसमें क्या होता है,
वेरी लार्ज नंबर ऑफ, वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक, कैन बी फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड बनाया जा सकता है किस पे, ऑन ए सिंगल, एक सिंगल सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, सिलिकॉन वेफर। देखिए सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, इन सब के लिए मैंने अभी जो आपको बताया था, जो टेक्निकल वाला चैनल है उसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप एक बार सुन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इन सब से आपको कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता है कि ढेर सारे ट्रांजिस्टर, लार्ज नंबर ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर मेड ऑन ए सिंगल सिलिकॉन वेफर। सिलिकॉन की एक पतली परत पे, एक पतले वेफर पे हजारों लाखों ट्रांजिस्टर बनाए जा सकते हैं। तो उससे क्या फायदा हुआ, फिर फायदा ये हुआ कि और जगह छोटी हो गई, स्पेस और कम लेने लगा, कंप्यूटर और कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो गया, ठीक है ना, तो ये फायदा हो गया, ठीक है। तो इसकी अगर आप कैरेक्टरिस्टिक लिखना चाहेंगे तो इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थी वो आप लिख सकते हैं कि इसमें यूज ऑफ आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और दूसरा फायदा क्या हुआ कि 10 मिलियन सर्किट्स, आप ये सोचिए 10 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख का, 10 मिलियन सर्किट किस पे बनता है, ऑन ए सिंगल सिलिकॉन वेफर, यानी एक स्क्वायर फिट में, आप खुद ही सोचिए, ऑन ए सिंगल स्क्वायर फिट, आप समझ रहे हैं बात को, यानी अगर मान लीजिए हम एक स्क्वायर फिट, मतलब सपोज कीजिए ये हमारा 1 फिट हो गया और ये 1 फिट हो गया, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, भाई 1 फिट मतलब 12 इंच हुआ ना, सोचिए इतने स्पेस में आप 10 मिलियन सर्किट, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो इतने स्पेस में इतना सर्किट बन जाते हैं, फैब्रिकेट होते हैं, किसमें, आईसी में, मतलब ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का साइज कहां से कहां पहुंच गया, आप ये समझ लीजिए, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये तो अभी थर्ड की है, अभी फोर्थ पे आई है, फिफ्थ पे, अभी जैसे अभी आज जहां हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एज में चल रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ के जंक्शन पे, आप ये समझ लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि चीजें कितनी तेजी से, टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो रही है डेली लाइफ की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और सिंपल चीजें हैं सब, ठीक। अब ये हो गया थर्ड जनरेशन, अब आप आ जाइए फोर्थ जनरेशन में। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक, ये अभी जो हम लोग का चल रहा है, जैसे 1971 से आप ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1971 टू प्रेजेंट डेट, प्रेजेंट डेट, ठीक है, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। इसमें क्या हुआ कि इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आर फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये हुई कि इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं VLSI, ये टेक्निकल टर्म है। अब मैंने आपको बताया ना, अगर आईसी पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो आप प्लीज कमेंट लाइन में आप मेंशन कीजिएगा, तो मैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे ही एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोगों को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि
बहुत वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल आईसी बनाने लगे। उससे फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कि सर्किट छोटे से छोटा हो गया सर्किट, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं सर्किट मिनिचराइजेशन, छोटे से छोटा होता जा रहा है सर्किट, मिनिचराइजेशन, ये फायदा हो रहा है। तभी तो आज आप देखते हो मोबाइल और छोटा, इवन पेन में, कैमरा में, आप इस साइज में आप कंप्यूटर आप देख रहे हो हर जगह, इसी इसी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से। ठीक, इसमें क्या, इसकी क्या, वहां तो मिलियन चल रहा था, यहां पे हो गया बिलियन, बिलियंस ऑफ सर्किट, समझ गया? मिलियन तो 10 लाख होता है, यहां बिलियंस पहुंच गया, और 10 गुना और 100 गुना, तो ये हो गया बिलियंस ऑफ सर्किट पर क्यूबिक फुट, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जैसे आज की डेट में हमने आपको बताया ना, आज हम लोग फोर्थ के एंड और फिफ्थ के शुरू वाले एरा में है। जैसे आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अब तो शुरू सुना नहीं होगा, अब आज के समय में तो चैट जीपीटी और काफी चीजें, स्मार्ट लाइट्स वगैरह आ गई हैं, अब तो डेली यूज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा है। तो ये जो टाइम चल रहा है, ये एक तरह से फोर्थ जनरेशन का एंड और फिफ्थ जनरेशन की बिगनिंग चल रही है। तो जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं, उनको आप लिख सकते हैं जब कोई चीज आप इस तरह आराम से समझ के पढ़ लेंगे ना, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो है, ये मैंने कहा ना, ये इसका एज कौन सा, ये इस समय प्रेजेंट डेट, आप ये लिख सकते हो प्रेजेंट एंड फ्यूचर या बियॉन्ड, ये जो जनरेशन चल रही है, ये है आपकी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसके फीचर क्या है? इसमें फीचर ये है कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, और पैरेलल प्रोसेसिंग कह लीजिए या कंप्यूटिंग कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग, इनका इस्तेमाल होने लगा है कंप्यूटर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और पैरेलल प्रोसेसिंग का। तो ये इस समय जो चल रहा है, ये जस्ट बिगिनिंग है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। इसमें क्या होगा कि मिलियन अपॉन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन वन चिप विल परफॉर्म ओवर ए बिलियन कैलकुलेशन इन ए सिंगल सेकेंड। तो देखिए, सारा खेल कंप्यूटर के अंदर दो ही चीज का होता है, स्पेस और टाइम। कितना बड़ा कंप्यूटर है साइज में, बड़ा नहीं कहना चाहिए, अब तो छोटा करेंगे, कितना छोटे से छोटा कंप्यूटर हो सकता है और कितना पावरफुल हो सकता है, बस, ठीक है। व्हाट इज द साइज एंड व्हाट इज द कंप्यूटिंग पावर, यही दो चीजें मेन होती हैं कंप्यूटर की एफिशिएंसी में। तो इसको आप लिख सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, द आप लिख सकते हैं द नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर विल हैव मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन वन सिंगल आईसी एंड दे कैन परफॉर्म ए बिलियन कैलकुलेशंस इन ए सिंगल सेकेंड। आप सोचिए इसकी, इनके पावर की क्षमता सोचिए आप, कि लाखों करोड़ों अरबों ट्रांजिस्टर एक सिंगल आईसी पे और लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस पर सेकंड वो कर सकते हैं और कर पाएंगे। और एक चीज और बता दूं कि इन ट्रांजिस्टर्स, इन आईसीज को डिजाइन डेवलप करने के लिए एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी।
ठीक है, जब आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो क्योंकि ये सब पूरा फिर डीप इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जा रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सब्जेक्ट होता है VLSI डिजाइन एंड सर्किट, उसमें चला जा रहा है, तो इसमें यहाँ पे डीप में जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बस आप ये समझ लीजिए कि अब आज के डेट में और पावरफुल आईसीज वगैरह डिजाइन करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। दिस इज अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू फैब्रिकेट आईसीज, क्लियर। अच्छा, अब इसके जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इतने जबरदस्त हैं और आगे होंगे, तो इसके आप फीचर्स चाहे तो आप लिख सकते हैं कि इसके फीचर्स वन बाय वन मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप चाहे तो लिख लें कि सबसे पहले क्या होगा कि एक्सट्रीमली लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं। नेक्स्ट सॉरी, पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं हाई स्पीड लॉजिक एंड मेमोरी चिप्स, हाई परफॉर्मेंस, माइक्रो मिनिचराइजेशन, ठीक है, वॉयस एंड डाटा इंटीग्रेशन, नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट सिस्टम, वर्चुअल रियलिटी जनरेशन एंड सैटेलाइट लिंक्स। तो ये सारे इसके फीचर होते हैं, ठीक है। वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया आपका, पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग हो गई, हाई स्पीड लॉजिक हो गया, फिर आप लिख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेनी मोर। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द, सॉरी, ये फिफ्थ हो गया, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो आई होप कि आपको कंप्यूटर का डेवलपमेंट, उसकी हिस्ट्री तो पिछले वीडियो में पढ़ बता दिया था, और उसके बाद ये तो हो गया फिफ्थ शुरू हो गया था, ठीक। उसके बाद आप कह सकते हैं जो सिक्स्थ जनरेशन है, सिक्स्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, तो जनरली जो 1990 के बाद के जो कंप्यूटर हैं उनको सिक्स, क्योंकि देखिए इस समय हमने बताया ना ट्रांजिशन फेज, 1990 ऑनवर्ड्स, इस समय जो हम लोग चल रहे हैं वो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, यही दो चीजें हैं इस समय जिन पे डेली बेसिस पे काम हो रहा है, और डेली बेसिस पे एक एक एरिया में इनका एप्लीकेशन बढ़ता जा रहा है। तो इस समय हम लोग उसी एज में चल रहे हैं, फिफ्थ और सिक्स के ट्रांजिशन फेज में, ठीक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम पूछनी है कमेंट लाइन में आप लिख सकते हैं। आईसी की अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट लाइन में मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा सेपरेट वीडियो डालने की आईसी के ऊपर। और बाकी ये वीडियो कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। थैंक यू।